इंडियाज मोस्ट वांटेड से मिलेगी अर्जुन कपूर को उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हुसानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, राजकुमार गुप्ता की अगर पिछली फिल्मों पर थोड़ा गौर किया जाए तो उनकी ये फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है और आज हम इसी फिल्म को रिव्यू करने वाले हैं। इंडियाज मोस्ट वांटेड एक रियल लाइफ इवेंट पर बेस्ड फिल्म है और राजकुमार गुप्ता इससे पहले रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड फिल्म बना चुके हैं, जैसे कि नो वन किल्ड जेसिका और रेड, और ये बहुत ही बेहतरीन फिल्में थी। जिस तरह से इन फिल्मों को दिखाया गया था, लोग देखते ही रह गए थे। तो इस तरह की फिल्में बनाने के बाद इनसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इस तरह की फिल्म बनाएंगे, इंडियाज मोस्ट वांटेड। मतलब इसकी स्क्रिप्ट बहुत, अगर कहानी की बात करें तो कहानी बहुत स्ट्रांग है लेकिन स्क्रिप्टिंग बहुत ही ख़राब है। मतलब इतना सब कुछ रह गया था, शायद इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट को रिव्यू नहीं किया, बार बार मतलब उसका ड्राफ्ट नहीं बनाया, फर्स्ट ड्राफ्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मतलब इतना सब कुछ खुला छोड़ दिया है, ऐसी है ही मतलब पब्लिक को ग्रिप करके रखने वाली इसकी स्क्रिप्ट नहीं है और ना ही डायलॉग्स। अगर डायलॉग की बात करें तो ना ही रिटन फॉर्मेट में, अगर जो डायलॉग की हम वैसे बात करते हैं, और या डायलॉग डिलीवरी की बात करें तो वो भी एक भी डायलॉग ऐसा नहीं है पूरी फिल्म में जो आपको हिट कर सके, जो आपको लगे कि हाँ भाई बंदा कुछ बोल गया। तो यानी रिटन फॉर्मेट तो काफ़ी वीक रहा है। वहीं डायरेक्शन भी, राजकुमार गुप्ता इतने बढ़िया डायरेक्टर हैं लेकिन इस फिल्म में शायद उनका या तो फिल्म बनाने का मन नहीं था या एक्टर्स का इस फिल्म में एक्ट करने का मन नहीं था। एक दो को छोड़कर बाकी सब ने ही कुछ काम नहीं किया, ऐसा लग रहा है बस फॉर द सेक ऑफ इट इस फिल्म को बना दिया गया है। तो इस फिल्म की कहानी रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है तो ऑब्वियसली कहानी अच्छी होनी थी, क्योंकि कहानी जहाँ से उठाई गई है वो काफ़ी टचिंग चीज़ है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट सही से नहीं किया गया है। तो कहानी शुरू होती है जो इंडिया में काफ़ी सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उन सबको दिखाया गया है, वहाँ से फिर एंट्री होती है इंडिया के ओसामा की, जिसको पकड़ने की कहानी शुरू होती है और टिप मिलती है इसके जो लीड एक्टर प्ले कर रहे हैं अर्जुन कपूर उनको, कि ओसामा जो है, इंडिया का ओसामा जो है इस फिल्म में दिखाया गया है, वो इस वक्त नेपाल में है। तो अब वो नेपाल जाने की तैयारी करते हैं और अपनी टीम तैयार करते हैं और बिना किसी असिस्टेंट के, बिना किसी गन्स वेपन्स के, और अपने खुद को फंड कर वो जाते हैं यहाँ से, सबके मना करने के बावजूद भी उसको पकड़ने के लिए। तो जिस तरह, मतलब एक चीज़ बहुत अच्छी है इस फिल्म की कि लाइफ को दिखाते हैं कि किस तरह से इस तरह के जो एजेंट्स होते हैं किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं और कितना सब कुछ, अपना सब कुछ त्याग देते हैं और उसके बदले वो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते। तो ये जो चीज़ उठाई गई है, एक नेशनलिज्म की जो एक वो है, वो चीज़ अच्छी है पेट्रियाटिज़म की, लेकिन एग्जीक्यूट उसे सही से नहीं किया है। लेकिन अर्जुन कपूर ने तो एक्ट ही नहीं किया है बिल्कुल, ऐसा बस जो भी सीन, मतलब कुछ कितना कुछ मेजर हो रहा है फिल्म में, क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अर्जुन कपूर ऐसे ही है। मतलब थोड़ा कुछ एक्सप्रेशन डाल ले भाई, मतलब तुम्हें इस वक्त ज़रूरत है अपनी एक, अपने करियर को देखते हुए ज़रूरत है एक अच्छी हिट फिल्म की, लेकिन बावजूद उसके अर्जुन कपूर ने इस फिल्म में काम नहीं किया है। तो ओवरऑल कहानी अच्छी है फिल्म की, लेकिन अगर इसमें काम कर लिया जाता तो फिल्म भी अच्छी हो जाती। तो हम तो इस फिल्म को देने वाले हैं 10 में से 1.5 स्टार। आपको मन है तो इस फिल्म को देख लीजिए, नहीं तो फर्स्ट हाफ इस फिल्म का बहुत बहुत फास्ट है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, और सेकेंड हाफ इतना स्लो है कि आपका सोने का मन करेगा लेकिन आप सो नहीं पाओगे क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड है कि आप करके उठ जाओगे कि भाई क्या हुआ। मतलब वो चीज़ें बैलेंस्ड नहीं है, काफ़ी लूज छोड़ दिया गया है फिल्म को, मेहनत नहीं की ऐसा लग रहा है। तो ये था हमारी तरफ से इंडियाज मोस्ट वांटेड का रिव्यू। इस तरह के और रिव्यूज जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हुसानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।